हाय फ्रेंड्स, सो ये सीए का ये बट ये हमारा लास्ट लेसन लास्ट क्वेश्चन है. ओके, सो इसके बाद हमारा लेबर कॉस्ट का लेसन ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज मैं आप लोग को जो डिफरेंट टाइप्स के जो सम्स है मैं वो सब आपको करवा रही हूँ. सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी. एंड देन आपको इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो आप सेम फॉर्मेट से सम सॉल्व कर सकते हो, राइट. एंड जो एफ ए में हम लोग ने अनसॉल्व वाला जो क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग सब बनाया था वो भी हमारा लास्ट वीडियो था. बिकॉज अभी जैसे मेरे को रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि अभी न्यू सेमेस्टर चालू हो चुका है, आई नो दैट, बट हम लोग को पहले का ये ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स मूव. ये हमारा क्या बोला, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे. देखो क्या दिया है, बेसिक पे 7 लाख, लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन टू एन एम्प्लॉय 2 लाख, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फॉर PF 75,000, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 75,000, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस 67,000, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली मेम्बर बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर रुपीज 19,000, फेस्टिवल बोनस 20,000, फेस्टिवल एडवांस 30,000, कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट. हम लोग को एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालने का, अभी उसको इतना कुछ हम लोगों ने दिया है तो अभी उसका कॉस्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करने का है. सो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है. ओके, सो पहले हम लोग एम्प्लॉयज कॉस्ट फाइंड आउट करते चलो. सो इसे क्या बोला, पहले हम लोग क्या दिए, बेसिक पे जो नॉर्मल पे होता है वो कितना है, बेसिक पे एम्प्लॉय का कितना है 7 लाख रुपीज. ओके, देन लीज रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन टू एन एम्प्लॉय 2 लाख रुपीज एम्प्लॉय को पे किया हुआ है हम लोग ने. सो क्या लिखेंगे इधर, लीज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयज कितना है 2 लाख रुपीज. देन इसके बाद क्या है हमारे पास, अमाउंट रिकवर, ये बात में देखते हैं 40,000. हाँ, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर हुआ 40,000, उसको कुछ नहीं करने का हम लोग को. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ करने का, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी कोई हम लोग को ये नहीं है. ओके, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम लोग को एम्प्लॉयज़ का ही लेने का है सिर्फ. एड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है 75,000 का, 75,000. ओके, उसके बाद अब हम लोग क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्या अमाउंट दिया हुआ है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है हम लोग को 67,000. देन उसके बाद क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कितना 19,000, इसको भी ऐड कर देंगे, हॉस्पिटल लाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय एम्प्लॉय. ओके, कितना है 19,000, इतना हो गया. इसके बाद क्या है हमारे पास, 19,000 ये हो गया. फेस्टिवल बोनस 20,000, एडवांस हम लोग को ये नहीं करने का, एडवांस नहीं, जो बोनस दिया हुआ है हम लोग ने फेस्टिवल बोनस 20,000. अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट मिल जाएगा हम लोग को. ओके, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट इतना ही था हमारे पास, राइट. हम लोगों ने फेस्टिवल बोनस लिया, फेस्टिवल एडवांस नहीं चाहिए हम लोग को. सो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसका टोटल आंसर आएगा हम लोग को 10,41,000. ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया.
ठीक है, सेम कुछ नहीं करने का, मीन्स ऐसा जो हम लोग क्वेश्चन दिया है उसमें लीज रेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, रीइंबर्समेंट, ये सब हम लोग को ऐड करते रहने का, उन लोग का एम्प्लॉयर को कॉस्ट देने का उन लोग का। ओके सो ये हमारे यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स ऑफ एंगेजिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। एक लेबर जो ये सब काम में एंगेज है और 8 घंटे का, एक दिन का उसको कॉस्ट चाहिए जो 8 घंटे का है। मंथली सैलरी बेसिक प्लस ड्यूरेंस अलाउंस 200 है। ओके, लीव सैलरी पेएबल टू द वर्कमैन 5% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस 2.5% ऑफ सैलरी, एक्सपेंडिचर एंड एमिनिटीज ₹17.95 पर हेड पर मंथ। ओके, और फिर क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200, एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं। ओके, और उसके लिए हम लोग को 200। ओके सो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्या मिलता है। हम लोग को अभी एक दिन का फाइंड आउट करने का है, ये पूरे महीने का दिया हुआ है, मंथली सैलरी हो गया, ये मंथ का दिया हुआ है। अभी हम मंथ में से हम लोग को ईयर निकालने का, पहले हम लोग मंथ का कर लेते हैं कैलकुलेशन। पहले क्या हम लोग लिखेंगे, मंथली सैलरी जो का बेसिक पे है कितने का है, मंथली सैलरी कितना था हमारा 200 रुपीज़। उसके ऊपर हम लोग को लीव सैलरी कितना बोला, 5% बोला था, 5%, ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा, 200 × 5% 10 हो जाएगा, बिकॉज 200 पे 10% 20 होगा और 20 का हाफ होगा 10। देन उसके बाद क्या बोला है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सब ऐड करने का है। मैं तो लिख देती हूँ ऐड। ओके, ऐड क्या, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने का है, परसेंटेज दिया 8% बोला ऑफ सैलरी आइटम ए एंड बी। ओके, हमें वो टोटल पे इस पर निकलना, 210 हो जाएगा, ये 210 इस पर 8% कितना होगा, लेट्स सी, सो 210 का 8% 16.8 होगा। ओके, देन उसके बाद अब हमारे पास क्या है, ये हो गया एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, एड कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, थोड़ी हैंड राइटिंग में फर्क आ गया आई थिंक सो, बट सॉरी फॉर दैट। ओके, देन कितना बोला हम लोग को, 2.5 मीन्स 2.5% किस पे, 210 पे, 210 पे 2.5 डिवाइड बाय 100, 5.25। ओके, और अब क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एनी एमिनिटीज 17.95, एड एक्सपेंडिचर एंड एमिनिटीज कितना बोला है, 17.95। ओके, अब क्या हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल मंथली मिलेगा, मंथली सैलरी। ओके, ऐड करके देखते हैं, प्लस 210 प्लस 16.8 प्लस 17.95 250 हमारी ये मंथली सैलरी है। अब जब 200 क्या बोला है, आवर्स इन अ मंथ, कितना आवर्स वर्किंग आवर्स होता है,
200 आवर्स रहता है वर्किंग, और उस पर हमें 250 रुपीज़ मिलता है, और जब 8 आवर्स रहेगा तो उस पर कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 250 × 8 डिवाइड बाई 200, 10 10 रुपीज़ एक दिन का अमाउंट क्या हुआ हमारा कॉस्ट पर डे ऑफ 8 आवर्स इज रुपीज 10। सो हमारे लेबर, ये दोनों सम के हमारे लेबर कॉस्ट का लेसन ख़त्म हो गया। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।